Yeah. ये हमारे एक गांव की मस्जिद है जो जामा मस्जिद है। इस जगह पे पहले जो पुरानी मस्जिद थी उसको फिर शहीद करके फिर नई मस्जिद को बनाया गया, तामीर किया गया। और ये आप देख सकते हो ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत हमारे गांव की प्यारी जामा मस्जिद। और ये साइड में अगर आप देख सकते हैं, ये साइड में स्कूल है। और इस साइड में भी मैं अगर आपको बता दूँ तो इस साइड में भी स्कूल है जहाँ पर मैंने अपनी जो फर्स्ट से ले कर जो 7th तक यहाँ पे मैंने पढ़ाई हासिल की। ये मेरे गांव की स्कूल है। इस गार्डन में, इस जगह पे मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, ये देख सकते हैं। अभी एक्चुअली थोड़ा चेंज हो गया है, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे भी पूरा बाउंड्री बनाया गया है। और यहाँ पे ये मस्जिद की जगह है एक्चुअली, और बाजू में स्कूल है। और इस साइड में अगर मैं बता दूँ तो इस साइड में है कब्रिस्तान है। झाड़ पे आप देख सकते हो मैंगोस वगैरह भी है। तो इस साल जो मैंगो है वो बहुत ही कम है, बहुत यानी बहुत कम है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हिदायत काजी, फिर से एक खूबसूरत ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो मैं अभी ऊपर आया हूँ, एक्चुअली आज मंडे का दिन है और मंडे को हफ्तावार अटोरा बाज़ार लगता है, वो मैं आज आपके सामने शेयर करूंगा। जो कोकण में जो विलेजेस होते हैं उसमें कैसा बाज़ार लगता है, वो सब डिटेल में मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए इस ब्लॉग को स्टार्ट कर। हमारा जो गांव है ना, एक्चुअली वो लास्ट गांव है, इसके आगे कोई गांव नहीं है। और ये आप देख सकते हैं, ये हमारा डेपो है और ये मेन जंक्शन है हमारे गाँव का। सामने हमारी ब्यूटीफुल मस्जिद। और आज एक्चुअली है ना गांव का अटोरा बाज़ार है। तो ये जो बाज़ार है वो मैं आपके साथ में अभी शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए अटोरा बाज़ार छोटा सा ही लगा है जो हर मंडे को लगता है। यहाँ पे ऑटो स्टैंड है और यहाँ पे लोग बैठे आप देख सकते हैं। लाइन से मैं आपको सामने ये जो शेयर करता हूँ, यहाँ पे फिश वगैरह भी, छोटी छोटी फिशेस है, नारियल वगैरह आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये जो बाज़ार है मेरे गांव का आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे जो वेजिटेबल्स है वो आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। गांव का और बॉम्बे का अगर आपको कंपैरिजन करना है तो मैं इनसे अगर भाव पूछूं, ये कांदे कैसा है, कांदा कैसा है? कांदा 20, बड़ा 30, टमाटर 30। अच्छा, कांदा 20 रुपये है, ऑलमोस्ट सेम आपको प्राइस मिलेगा। आप देख सकते हो कांदा 20 रुपीज़ है, ये 30 रुपीज़ है, और 30 रुपीज़। ओके, और भी बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें। इसका पाव किलो 80 रुपीज़ किलो। अच्छा ओके, और बनाना 60 रुपये किलो। अच्छा ओके, ऑलमोस्ट सेम भाव है बॉम्बे के हिसाब से कंपैरिजन में देखे जाएंगे तो। और सेम थिंग यहाँ पे भी कांदे बटाटे के, यहाँ पे जो अटोरा बाज़ार के हिसाब से लगाया है यहाँ पे आप देख सकते हैं। करेला भी है यहाँ पे, ककड़ी वगैरह भी है। और यहाँ पे छोटे स्टॉल है जो ऑलरेडी गांव के है वो आप देख सकते हो। और यहाँ पे आपको अगर चावल वगैरह लेना है, जो भी कड़धान्य है जिसको बोलते हैं अपन, ग्रोसरी है, वो आप यहाँ पे ले सकते हो। देखिए ये देखिए, और ये हमारे वसीम भाई, हमारे कलिक, और यहाँ पे चावल वगैरह देखने के लिए मिल सकते हैं। अरे बहुत सारे ऑप्शंस, पूरा भाई टेम्पो लेके ही आए हैं। और इनके पास जो ग्राहक है होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, रिजनेबल प्राइस में ये बेचते हैं। सेम थिंग यहाँ जो बाज़ार के हिसाब से, जो नॉर्मली यहाँ पे आप देख सकते हो कपड़े की भी
जो रस्ते पे लगा है। यहाँ पे आप कपड़े के जो भी आपको चाहिए आप ले सकते हो। सेम थिंग यहाँ पे भी टेम्पो है, यहाँ पे भी शूज़ चप्पल। छोटा सा ही मार्केट है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे दिखाने के लिए है नहीं, लेकिन एक कोकण के विलेज का जो अटोरा बाज़ार कैसा लगता है आपके सामने मैं अभी रखा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो। सामने भी यहाँ पे जो है यहाँ पे लगाया है भाजी तरकारी। नीचे एक्चुअली स्टैंड है इस साइड में, यहाँ से गाड़ी नीचे की तरफ जाती है, जो मैंने आपको फोर्ट वगैरह बताया था उस जगह पे, और वहाँ से फिर बोर्ड भी लगा के गाड़ी इस तरफ आती है आगे जाने के लिए। يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي